नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को इस लिंक को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आज का लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम असम। आसाम की चाय। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे प्रांजोल और राजवीर तो बड़े अच्छे दोस्त हैं जो दिल्ली के एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। प्रांजोल रहने वाला है असम का, जहां उसके पिताजी एक चाय के बगान के मैनेजर हैं। इस बार की गर्मी की छुट्टियों में वह राजवीर को अपने घर ले जाने की दावत देता है। जब वे दोनों ट्रेन से असम जा रहे होते हैं, रास्ते में एक जगह वो दोनों चाय पीते हैं। राजवीर प्रांजल को बताता है कि पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ कप चाय प्रतिदिन पी जाती है। और जब राजवीर प्रांजल को ये बताता है, प्रांजल बड़ा आश्चर्य से बात सुनता है और वो कहता है इसका मतलब चाय दुनिया भर में बड़ी ही प्रसिद्ध है। और फिर वो दोबारा से एक इंटरेस्टिंग जासूसी उपन्यास पढ़ने लगता है जो उसे बड़ा पसंद है। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, खिड़की से राजवीर बाहर के खूबसूरत नज़ारे को, शानदार जंगलों को, ग्रीनरी को, हरियालियों को देखकर बड़ा खुश होता है। रास्ते में जब राजवीर एक चाय का बागान देखता है तो बड़ा खुश होता है, जबकि प्रांजल के लिए कुछ भी नया नहीं है। वीर प्रांजल को बताता है कि असम चाय की खेती के मामले में दुनिया में सबसे अधिक घनी जगह है या अधिक घनत्व वाला स्थान है। इस बात से प्रांजल आश्चर्यचकित होता है। राजवीर प्रांजल को यह भी बताता है कि चाय और चीनी दो ऐसे शब्द हैं जो चाइना से या चीन से आए हैं। वो ये भी बताता है प्रांजल को कि चाय के बारे में तरह तरह की दंत कथाएं। प्रांजल उससे जानना चाहता है तो राजवीर बताता है एक एक चीनी शासक जो पानी को उबाल के पिया करता था, एक बार अचानक उसके पानी में कुछ पत्तियां गिर गईं और जब उसने वो पानी पिया उसे अजीब सी सुगंध महसूस हुई। इस तरह से चाय के बारे में दुनिया को पता चला। राजवीर उसे बताता है कि चाय के बारे में एक और दंत कथा भी है। प्रांजल उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, बताओ बताओ ये दूसरी कहानी कौन सी है? तो राजवीर बताता है एक बहुत ही मशहूर संत बौद्ध धर्मन हुए, जिन्हें ध्यान लगाते हुए जब नींद आने लगती थी या उनकी आंखें बंद होने लगती थीं, इस बात से बचने के लिए उन्होंने अपनी पलकों को काट लिया। उन कटी हुई पलकों से 10 पौधे पैदा हुए और इस तरह से संसार को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी प्रांजल को। राजवीर ने प्रांजल को ये भी बताया कि सबसे पहले चाय चीन में पी गई और ये लगभग 2700 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ तक कि शब्द टी, चाय, ये सबसे पहले चीन में प्रयोग किए गए और यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई। इन बातों से प्रांजल बड़ा प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। जैसे ही ये लोग आसाम के स्टेशन पर पहुंचे, खड़खड़ाती हुई मारियानी स्टेशन पर पहुंची जहां प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। राजवीर से मिलकर वो लोग बड़े खुश हुए। राजवीर ने उन्हें अपनी बातों से बड़ा प्रसन्न किया और आश्चर्यचकित भी किया। तब प्रांजल के पिता ने कहा, इसका अर्थ है तुम बहुत अच्छी तैयारी और होमवर्क करके यहाँ पर आए हो। इस बात पर राजवीर ने कहा, हाँ अंकल, और मैं आशा करता हूँ यहाँ रहकर मैं और भी जानकारी चाय की खेती के बारे में और चाय के बगान के बारे में जानना चाहूंगा। इस बात से सब लोग बड़े खुश हुए और इस तरह ये लेसन समाप्त होता है बड़े ही इंटरेस्टिंग और हैप्पी एंडिंग के साथ। फ्रेंड्स, आपको लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना सबसे प्यारा पसंदीदा चैनल संजीव गोस्वामी। नमस्कार।